वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखें। गैज, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शाम के बज रहे हैं 5:30 और मुझे लगी है भूख। मैं सो के उठ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं सोती कितना हूँ, 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चा हमारा 3:30 बजे कोचिंग जाता है। उसके बाद हम ऊपर आते हैं, थोड़ी देर इधर उधर का मोबाइल वगैरह देखते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो अब मैं उठ चुकी हूँ। उठी मैं कब का हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम भी रहते हैं, रूम में भी उठने के बाद थोड़ा इधर उधर करती रहती हूँ। मैं उठ चुकी हूँ और आज मेरा खाने का मन है पॉपकॉर्न, और मैं सबसे पहले पॉपकॉर्न बनाऊँगी, क्योंकि एक्चुअली मैं चाय पीती नहीं हूँ। चाय सिर्फ मम्मी के लिए और जो मेरे छोटे देवर हैं उनके लिए बनाना है। और गर्मी में बिल्कुल नहीं पसंद है, ठंडी में तो एक दो बार मैं ले लेती हूँ, बट गर्मी में बिल्कुल नहीं। तो मैं चाह रही हूँ अपने लिए पॉपकॉर्न, अपने लिए नहीं सबके लिए फाइनली बनाऊँगी पॉपकॉर्न। अकेले मैं पॉपकॉर्न थोड़ी खा पाऊँगी, सबके लिए बनाऊँगी और सबको चाय बना के दूँगी। आज एक्चुअल में है कि आप लोगों को बता दूँ कि आज मेरे घर से आया हुआ है पोहा। गांव से मेरे आया, एक्चुअली मेरी ससुराल जहाँ है ना वहाँ से आया है, कोई आया है मेरे यहाँ तो वही, मतलब घर पर मेरी फैमिली रहती है तो उन लोगों ने भेजा है कि मतलब ले जाओ वहाँ पे दे देना। पोहा वगैरह आया है, घर का कुछ राशन आया है, गेहूँ चावल वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो मैं सोची क्यों नहीं उस पोहा का आज मैं कुछ बनाऊँ। तो मैं तो कुछ सोची थी कि मैं पोहा की पूड़ी बनाऊँगी, बट हमारे देवर ने और हमारे पति देव ने, वहाँ से हमने उनसे पूछा कि घर से खोआ आया है तो क्या बनाऊँ, तो उन्होंने अपनी फरमाइश रखी क्यों नहीं गुजिया बना देती, वो खाया जाए, थोड़ा ही बनाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़राब हो जाएगा, खाया जाएगा। तो ये मेरे पति देव की भी फरमाइश थी और हमारे देवर ने भी बोला कि खोआ आया है तो आप उसका गुजिया बना दीजिए, सबसे ईजी हमको बता रहे थे, जो कि बहुत टफ होता है गुजिया बनाना, बहुत लफड़ा लगता है, मुझे क्या बताऊँ। फिर भी कोई नहीं, जब आया है कोई भी चीज़ घर से आई है तो उसको यूज़ तो करना ही है, फेंकना नहीं है, क्योंकि घर की खोआ वगैरह जो होते हैं एकदम शुद्ध होता है, इतना ज़्यादा मतलब घी घी है पूरा ऊपर कि मैं आपसे क्या बताऊँ, लग रहा है कि घर का खोआ है वो। और आज मुझे एक काम ये है कि रात का खाना मुझे बहुत शॉर्टकट में बनाना है, कुछ सब्जी रोटी बना लूँगी, क्योंकि पापा हमारे यहाँ जा रहे हैं शादी में, तो पापा ही सबसे इस समय मेन है घर के, घर के भाई सबसे बड़े हैं, तो पापा के हिसाब से खाना बनना रहता है, तो थोड़ा सा बनता भी है। वैसे हमारे पापा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे जो बना के लीजिए वो सब कुछ खा लेते हैं, फिर भी अपने आप को लगता है कि घर के बड़े हैं तो उस हिसाब से खाना वगैरह बनना चाहिए। तो पापा हमारे जा रहे हैं शादी में, बचे हम मम्मी और हमारे देवर, और हमारे पति देव है नहीं, तो इसलिए हमने क्यों नहीं सोचा कि आज मैं तरुई की सब्ज़ी और रोटी बना देती हूँ। तो मैं वो बनाऊँगी इसलिए, क्योंकि मुझे गुजिया बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने तरुई की सब्ज़ी और रोटी का आइडिया रखा, मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोली हाँ बना दो, कोई बात नहीं बना दो। तो आज हम बनाएंगे गुजिया और आपके साथ में गुजिया की रेसिपी भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं सो के उठी हूँ, सबसे पहले मैं जा रही हूँ पॉपकॉर्न और चाय, फिर उसके बाद मैं आऊँगी ऊपर, कपड़े वगैरह कुछ हैं उसको फोल्ड करूँगी, ले आऊँगी, कुछ पेड़ में पानी वगैरह डालूँगी, फिर उसके बाद मैं गुजिया बनाना स्टार्ट करूँगी। और आपको इस ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा कि मैं गुजिया कैसे बनाई हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि मेरे यहाँ गुजिया कई वैरायटी में बनी है, मैं कितनी तरह का गुजिया बनाऊँगी, आपको इस ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि मेरी गुजिया कितने तरह की बनी है। और अभी नहीं बताऊँगी, सरप्राइज़ है वो मेरा कि कितने तरह की गुजिया मैं बनाऊँगी, दिखाऊँगी आपको, सारा मटेरियल रेडी कर लूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि देखिएगा मैं कितने तरह की गुजिया बनाई हूँ। फाइनली अब हम चलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मैं वेट कर रही हूँ चाय का, अब नीचे चलते हैं, चाय बनाएंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे ऊपर, कपड़े वगैरह ले आएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर पेड़ में पानी डालेंगे, उसके बाद हम फिर गुजिया बनाने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। फिर चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने कुकर में पॉपकॉर्न डाल दिया है, चाय मम्मी और छोटे भैया को मैंने दे दिया था, उसके बाद पॉपकॉर्न बनाया। देखिए फाइनली मेरा पॉपकॉर्न बन गया है, अब हम लोग चलते हैं, चारों लोग बैठ के साथ में खाएंगे। देखिए लॉबी में मैंने कपड़े फैलाए हैं, क्योंकि आज 2-3 बार वॉशिंग मशीन चली थी तो बहुत सारे कपड़े थे, इसलिए कुछ लॉबी में डारा वगैरह लगा, कुछ उस पर कुछ रेलिंग पे, ऐसे ही करके हमने कपड़े फैला दिए हैं। छत पे हम लोग को नहीं जाना पड़ता है, हम लोग बीच ही लॉबी में सारे कपड़े फैला देते हैं। शाम देखिए हो गई है और कपड़े वगैरह सब सूख चुके हैं, अब इसके बाद मैं फ़ोल्ड करूँगी। बहुत कपड़े मेरे यहाँ हो जाते हैं फ़ोल्ड करने के लिए, बड़ी प्रॉब्लम होती है, अकेले इतना सारा फ़ोल्ड करना रहता है, और 2-3 बार तो हमें लगता है डेली 2-3 बार मशीन चलती ही चलती है। और फाइनली देखिए सारे कपड़े सूख चुके हैं, लॉबी में ही सूख जाते हैं, छत पे नहीं ले जाना पड़ता है, चाहे जितने कपड़े सभी ही सूख जाते। देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं, और मैं ये देखिए कपड़े वगैरह सब फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसमें सबके कपड़े रहते हैं, पापा मम्मी देवर हैं हमारे, मेरा बेटा है,
कुछ हमारे भी कपड़े रहते हैं, डेली कपड़े मेरे नहीं रहते हैं, वॉशिंग मशीन में मैं डेली नहीं वॉश करती हूँ। हाँ ये है कि भैया लोग का रहता है, पापा लोग का, ओजस का, वो तो डेली होता है वॉश, बट कोई नहीं, ये तो मेरी डेली की रूटीन में आता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं फोल्ड वगैरह कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। हाँ गैज, आपके साथ मैं आज एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है गुजिया की रेसिपी। वो तो आप लोग के ही घर बनता होगा, बट मेरे यहाँ 3 तरह की गुजिया इस बार बनी है। आप लोग को बता दूँ कि मेरे यहाँ इस बार 3 तरह की गुजिया बनी है। एक तो बनी है जो शुगर फ्री है, दूसरी बनी है जिसमें शुगर मिक्स है, और तीसरी जो गुजिया बनी है वो है आपकी गुड़ की गुजिया। हमारे यहाँ पापा हमारे बहुत मन से खाते हैं, उसमें गुड़, सौंठ और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनता है, वो काफ़ी टेस्टी होता है। और हमें तो सौंठ वाली चीज़ नहीं अच्छी लगती, बट हमारे पापा खाते हैं, इसलिए आज हमने वो बनाया है, आप लोग के साथ वो भी शेयर करूँगी। उसमें कोई मेहनत नहीं लगता, सेम जैसे गुजिया बनती है वो भी सेम रहती, बस वो गुड़ की रहती है। और फाइनली देखिए हमारे कपड़े वगैरह हो गए हैं फोल्ड। अब इसके बाद मैं पेड़ में पानी डालूंगी। देखिए पेड़ में पानी, ये मेरे नीचे लॉबी में इतने गमले रखे, बट ऊपर मेरे यहाँ कम से कम मुझे लगता है 50-60 गमले छत पर रखे, जो पापा हमारे डेली पानी डालते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं तो छत पर ही वो डेली डाल देते हैं। चलिए अब आपको हम गुजिया बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए खोआ है जो हमारे घर से आया था, ये एकदम शुद्ध घर का खोआ था। थोड़ा सा मैं इसको गर्म कर रही थी, थोड़ा सा और फ्राई हमने कर दिया, सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लिया। उसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश और नारियल और पोस्ता का दाना और थोड़ी सी सूजी, मैंने सब कुछ एक साथ फ्राई कर लिया। थोड़ा सा नारियल डाला था, बहुत ज़्यादा नारियल नहीं डाली थी मैं, किशमिश भी बहुत कम यूज़ की थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी किशमिश यूज की थी। और ये सब कुछ मैंने फ्राई करके रख लिया था, और तब तक मैं इधर गुड़ फोड़ रही थी, क्योंकि जो गुड़ वाली होता है उसमें गुड़ बहुत अच्छे से बारीक करके फोड़ना होता है। सब कुछ को मैंने सब एक साथ करके रख लिया। उसके बाद मैं उसमें सब कुछ तीनों में मैंने थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया था। थोड़ा थोड़ा डालने के बाद फिर इधर मम्मी आटा की तैयारी कर रही थी, गुजिया के जो मोयनदे के आटे तैयार होते हैं वो मम्मी तैयारी कर रही थी, इधर मैं फ्राई कर रही थी फटाफट। खाना बहुत सिंपल सा बनाई थी इसलिए ये सब हो गया, नहीं तो हैवी खाना बनाना रहता है तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सिंपल मैंने निनुआ की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, इसलिए गुजिया बना ली, नहीं तो गुजिया बनाने में बहुत टाइम लगता है। वैसे भी आप लोग को बता दें, हमें लगता है कि साल में हम एक बार ही गुजिया बनाते हैं, हम कभी दो बार नहीं बनाते। इस बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ साल में 2 बार गुजिया बन रही है, क्योंकि ये बहुत लफड़ा लगता है, मुझे समझ में नहीं आता गुजिया वगैरह बनाना, ये क्या करें, फैमिली की वजह से सब कुछ करना ही पड़ता है। कोई नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत लगा, ज़्यादा ही, क्योंकि मम्मी साथ में रहती है इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि पूरा सपोर्ट करती रहती है, कुछ भी हम करते रहते हैं साथ साथ में वो लगी रहती हैं, इसलिए कोई बात नहीं। देखिए मेरा सब कुछ फ्राई हो चुका है, फाइनली हमने सब कुछ फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम तीनों, देखिए आपको दिखाते हैं, सब कुछ मैंने फ्राई करके रख दिया है। 3 जगह हमने सारे खोवे का बना के रख लिया था। देखिए एक कटोरे में ड्राई फ्रूट्स है और गुड़ वाला है, एक में शुगर फ्री था, और ये देखिए हमारा गुजिया, मम्मी इधर बना रही थी, मैं इधर फ्राई कर रही थी। आप लोग भी देखिए कितना अच्छा कलर है गुजिया का, बहुत अच्छा बना था, मुझे तो नहीं पता, आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, गुड़ वाली गुजिया। फाइनली मेरी गुजिया बन चुकी है, आप लोग ने देखा ना कि मेरे कितनी वैरायटी की गुजिया मेरे यहाँ बनी है। आपको बता दें मेरे यहाँ 3 वैरायटी थी, जिसमें एक शुगर फ्री गुजिया थी हमारे पतिदेव के लिए, और एक था जो मीठा बना था, सभी लोग खाएंगे। एक गुजिया जो था वो अब आप लोग के यहाँ बनता है हमें तो नहीं पता, हमारे पापा खाते हैं। और एक्चुअली हमारे यहाँ ये गुजिया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरे यहाँ होली के दिन भी बनता है, उसमें गुड़, सौंठ और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनता है, वो हमारे पापा बहुत मन से खाते हैं। और पापा से हमने पूछा तो पापा बोले क्यों नहीं मेरे लिए भी 2-4 बना दो, तो हमने उनकी भी बात रख दी भाई कि ठीक है कोई बात नहीं, उनके लिए भी मैंने बना दिया। बहुत ज़्यादा नहीं बनाई उनके लिए, क्योंकि 10 गिन के हमें लगता है बनाए, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने सिर्फ गिन के 10 उनके लिए बना। और जो थोड़ा शुगर फ्री है वो हमारे पति देव का है, क्योंकि उनको थोड़ी सी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मीठा नहीं दिया जाता है। और जो शुगर जिसमें है वो हम पूरी फैमिली के लिए है, मम्मी के लिए भी नहीं है, क्योंकि मम्मी भी शुगर फ्री वाला ही गुजिया खाएंगी, क्योंकि मम्मी को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम ही लोग 2 लोग हैं, जो 2 ही लोग हैं, हमारा बच्चा खाता ही नहीं, हम और हमारे देवर हैं, जो हम लोग जिसमें चीनी पड़ी वो हम लोग खाएंगे, जो बिना चीनी वाले हैं वो मम्मी और मम्मी का बेटा खाएगा, और गुड़ वाला जो है वो मेरे पापा खाएंगे। सबके लिए अलग अलग बन चुकी है, और अब खा के, अभी मैंने खाया नहीं क्योंकि बनाते बनाते मन भर जाता है, इसलिए मन नहीं करता, एक दिन बाद ही खाने की इच्छा करती है। खाली देखने में भी अच्छा लग रहा था, और लोगों ने खाया, हमारे देवर ने बताया कि बहुत अच्छा बना है। फिलहाल कोई नहीं, जब मैं भी खाऊंगी तो देखूंगी कैसा बना है।
हाँ गैज, आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, खूब ज़्यादा वाला प्यार दीजिए और मेरे सारे ब्लॉग को लास्ट तक देखिए और फुल एंजॉय करिए। चलिए फिर हम चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।